विगत 19 मई दिन शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में डाक विभाग संचार मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण उत्सव एवं जीआई उत्पादों पर विशेष आवरण व विरूपण का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवू सिंह चौहान संचार राज्य मंत्री भारत सरकार थे। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डाक विभाग अपनी कई योजनाओं से नारी शक्ति का भविष्य सुरक्षित व उज्ज्वल कर रहा है। विशेष तौर पे अमृत काल के अवसर पे आदरणीय मोदी जी ने किसी बचत पत्र में इतना हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं, उतना 7.5 इंटरेस्ट अगर किसी एक योजना में भारत सरकार किसी योजना रही है तो वो है महिला बचत सम्मान पत्र योजना, जिसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है। और मुझे अभी पता चला कि इस क्षेत्र में अभी तो ये बजट के बाद इस योजना का लॉन्चिंग हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी हमारे विभाग ने काम किया है कि आज 3 करोड़ से अधिक, कुल मिला के तो 3000 से अधिक महिलाओं ने बचत किया है और 19 करोड़ रुपए की बचत इसी महिला बचत सम्मान योजना में की है। सुकन्या समृद्धि योजना में भी करीब करीब 3000 से भी ज़्यादा बच्चियों ने अपना अकाउंट खुलवाया है और मुझे कहते हुए ये गौरव होता है कि 835 गांव ऐसे हैं जहां पूरा गांव सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कवर किया गया है। तो भारत सरकार का जो मंशा है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, इस दिशा में अगर किसी ने नेतृत्व किया है तो हमारे काशी क्षेत्र ने किया है, हमारे पोस्टल विभाग ने किया है। मैं इन सबको अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वी सेल्व कुमार, वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव के साथ कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। भारतीय डाक विभाग के तत्वाधान में बीएचयू के महामना सभागार में हम लोगों ने एक विशेष आवरण और विरूपण कार्यक्रम और इसके अलावा एक महिला सशक्तिकरण उत्सव का आयोजन किया था, जिसके मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी थे। और इस दौरान जो है ढेर सारी तमाम बच्चियों को जो है सुकन्या समृद्धि योजना से जहां आच्छादित किया गया, वहीं उनको महिला सम्मान बचत पत्र से भी जो है आच्छादित किया गया। और पूरे बनारस रीजन की बात करें तो 835 से ज़्यादा गांव संपूर्ण सुकन्या समृद्धि गांव के रूप में तब्दील हो गए हैं और वहीं लगभग जो है हम लोग करीब 2,93,000 सुकन्या समृद्धि के खाते खोल चुके हैं। यहाँ तक महिला सम्मान बचत पत्र की बात है, मुझे लगता है लगभग 1.5 महीने में हम लोगों ने करीब 19 करोड़ महिलाओं ने जो है 3000 से ज़्यादा महिलाओं ने बनारस क्षेत्र में निवेश किया है जो है। तो सशक्त महिला सशक्त समाज की जो हमारी ये संकल्पना है तो कि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो भारत भी आत्मनिर्भर होगा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग प्रवृत्त होंगे। कार्यक्रम में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र की लाभार्थियों को पासबुक वितरित करने के उपरांत कहा कि नारी शक्ति आत्मनिर्भर बनेगी तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार होगी। समृद्धि प्रकार विद्या देवी बच्चियों की आपकी ताली अभी नहीं चाहिए, आप लोग शांत कैसे बैठे हुए हैं इतने खूबसूरत सभा में। इसके उपरांत आएंगी प्रीता आनंद पुत्री आनंद कुमार, प्रीता आनंद क्रम में आएंगी। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल के संदेश के साथ VSNL ने पूर्णतया स्वदेशी C. ब्रॉडकास्ट ब्रॉडबैंड गेटवे BBG की शुरुआत की। गत 20 मई को BSNL 4G टावर का उद्घाटन केंद्रीय संचार मंत्री देवू सिंह चौहान ने किया।
यह 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत है, जिसके तहत जो गांव जहां पे अभी तक कोई भी 4G कवरेज नहीं है उन पे 4G टावर लगाए जा रहे हैं और यह काम BSNL को दिया गया है। तो हमारे वाराणसी परिक्षेत्र के सोनभद्र में 37, मिर्ज़ापुर में 8 और चंदौली में 9 गांवों में नए टावर लगाए जा रहे हैं। भाई सभी को इससे 4G सेवाएं मिलेंगी, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट से सभी लोग जुड़ सकेंगे। जैसे अभी शहरों में 4G सेवाएं उपलब्ध हैं, वैसे ही गांवों में मिलेंगे और ये सेवा, ये तकनीक पूर्णतः स्वदेशी है। इससे सोनभद्र व मिर्ज़ापुर के गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। ये जो ब्रॉडकास्ट टू ब्रॉडबैंड सीरॉट ने जो तकनीकी बनाई है, ये मेनली गाँव के लिए है। चूँकि ब्रॉडबैंड की कॉस्ट जो है, इंटरनेट की कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा है अभी, और गाँव में अभी भी आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम है, और जहाँ है भी वहाँ कटता है, और अगर नहीं भी कटे तो पाइप तो है लेकिन पीछे से इंटरनेट की बैंडविड्थ वो बहुत कम है। चूँकि गाँव में उतने सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं, अफोर्डेबिलिटी कम है, तो इस वजह से जब बहुत ज़्यादा लोग गवर्नमेंट सर्विसेज या उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो शेयर हो जाती है बैंडविड्थ, और उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है, तो वो कहते हैं तकनीकी काम नहीं कर रही है, रिलायबल नहीं है, और सब लोग सफ़र करते हैं। गवर्नमेंट का जो मैंडेट है डिजिटल डिवाइड को पूरा करना, कम करना, वो कैसे करे कि जो हमारे रिमोट रूरल में जो बच्चे हैं उनको भी वही सुविधा मिले जो अर्बन में मिल रही है। तो उसके लिए सीरॉट ने क्या किया है कि जो ई एजुकेशन है, ई हेल्थ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इवन इंटरटेनमेंट, और उन सब के लिए वो सर्वर को हमने गांव में रख दिया है, और सैटेलाइट से रिसीव करके वाईफाई के थ्रू, जो कि फ्री स्पेक्ट्रम है और फ्री में आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, अगर आपके टीवी में वाईफाई है तो उसमें ये सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इस अवसर पर वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 4G सैचुरेशन परियोजना पर प्रकाश डालते हुए कहा, मुझे खुशी है कि एक समग्र रूप से इस योजना को बनाकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान किया जा रहा है। यूपी ईस्ट में पूरे देश के अंदर तो हालांकि जो आंकड़ा मुझे यहां पर दिखाया गया वो 24,680 का है, पर मैं मानती हूं कि अभी तक शायद इसमें बहुत वृद्धि हो चुकी होगी, और यूपी ईस्ट में लगभग 129, जिसमें भी हमारे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में लगभग 4G सैचुरेशन परियोजना के तहत वाराणसी क्षेत्र के अंदर हमारे कई ज़िले आते हैं, वाराणसी को मिला के मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, गाज़ीपुर, चंदौली, ये सारे ज़िले आते हैं। इसमें सोनभद्र में 37 गांव और मिर्ज़ापुर जिसमें लगभग 7 अलग अलग गांव हैं जिसमें, और चंदौली के भी 9 हैं, ये सेवाएं पहुंचाने की पहल की जा रही है। और आज उस पूरी संख्या में से हमने 4 गांव लिए हैं, जिसमें 3 हमारे सोनभद्र के हैं और 1 96 विधानसभा के बबुरा गांव को लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण गांव है। तो मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधे मेरे संसदीय क्षेत्र को ही एक सौगात मिल रही है, इसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में कई जननेता व गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।